तो दोस्तों ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद आपको अपने गूगल क्रोम में एम आधार टाइप करना है, एम आगे सामने ये जो ऑप्शन हो रहा है शो हो रहा है एम आधार, आपको ये टाइप करना है, उसके बाद क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ चुकी है, mAadhaar.uidai.gov.in। आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है। चलिए क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने एम आधार में लॉगिन करें तो उससे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को डेस्कटॉप सर्वर पर ओपन करना है। देखिए हमारा जो गूगल क्रोम है वो डेस्कटॉप सर्वर पर पहले से ओपन है। अगर आपके डेस्कटॉप साइट पर टिप का निशान नहीं लगा हुआ है तो आपको टिप का निशान लगाना है, और है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, देखिए तो पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट एंड दूसरा है डाउनलोड आधार। ये जो डाउनलोड आधार है आपको इसी पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको दो एंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला है आधार नंबर, दूसरा है एनरोलमेंट आईडी नंबर एंड तीसरा है वर्चुअल आईडी नंबर। तो अब आपके पास इन तीनों में से जो भी ऑप्शन हो वो आप यहाँ फिल करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास आधार कार्ड नंबर है, चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर फिल करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। पहले ऑप्शन में आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है और दूसरे ऑप्शन में ये जो कैप्चा शो हो रहा है ये आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए टाइप करते हैं। एंड दोस्तों जब आप अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल कर लें उसके बाद आपको सेंड ओटीपी इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का एक ओटीपी आएगा। एंड ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट ए मार्क्स आधार, क्या आप मार्क्स आधार चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तो इस पर टिक कर देना है, नहीं चाहते तो अनटिक ही रहने देना है। एंड दोस्तों जब आप अपना ओटीपी फिल कर दें उसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड दोस्तों आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुल डाउनलोड। तो हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो हमसे पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने एग्जाम्पल के लिए हमको समझाया है कि योर नेम इज अनीश कुमार एंड योर डेट ऑफ बर्थ इज 1989, तो दें योर ये आधार पासवर्ड इज अनीस 1980। तो दोस्तों मतलब ये कहना चाहता है कि आपके जो ई आधार का जो पासवर्ड है वो 8 अंकों का होता है। 8 अंकों का मतलब कि आपके जो नाम के जो शुरू के 4 कैपिटल वर्ड हैं, आपको अपने नाम के शुरू के 4 कैपिटल वर्ड लेने हैं, और उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर है यानी जिस साल आपका जन्म हुआ था आपको 4 वर्ड उसके लेने हैं, यानी आपके नाम के 4 वर्ड और डेट ऑफ बर्थ के 4 वर्ड, यानी टोटल हो गए 8। लेकिन और एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप अपने नाम के शुरू के 4 लेटर लो तो वो कैपिटल लेना, क्योंकि स्मॉल में लोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो खुली ओपन नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम अपने आधार कार्ड को ओपन करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जहाँ ऑप्शन दिया है डाउनलोड इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो ई आधार यहाँ आ चुका है, इसे ओपन करते हैं।
एंड दोस्तों आप देख सकते हो ये फाइल इज प्रोटेक्टेड, यानी ये फाइल पासवर्ड से प्रोटेक्ट है। तो चलिए अब हम अपना पासवर्ड लगाते हैं। तो हमारा जो नाम है अपने नाम के चावल लेंगे और उसके बाद जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो बोलेंगे। एंड दोस्तों जब आप अपना पासवर्ड क्लिक कर लें उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।